नमस्कार, हम उपस्थित हैं टॉक शो विद संजय टंडन के चौथे भाग में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब लेकर। आज के इस भाग का पहला सवाल है प्रदीप अरोड़ा का। उन्होंने पूछा है कि हाल ही में आपने ट्रिब्यून फ्लाईओवर को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी। हम जानना चाहते हैं कि फ्लाईओवर का निर्माण कब तक प्रारंभ होगा। प्रदीप अरोड़ा जी ने सवाल पूछा है कि जो ट्रिब्यून फ्लाईओवर कब तक बन जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को दिल्ली में मिलके आया था और उनके साथ मैंने इस ट्रिब्यून फ्लाईओवर के ऊपर चर्चा भी करी थी। फ्लाईओवर की अप्रूवल जो है उनके मंत्रालय द्वारा दे दी गई है और उसका टेंडर जो है वो फ्लोट होने जा रहा है। मेरा मानना है कि अगले लगभग 1.5-2 साल के अंदर ये फ्लाईओवर बन के तैयार होगा, जो चंडीगढ़ के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर जो कंजेशन जो ट्रैफिक में देखी गई है, जो सड़कों के ऊपर जो समस्या आती है, तो ऐसे फ्लाईओवर से वो समस्या का निदान होगा और चंडीगढ़ को जो है एक एंट्री पॉइंट के ऊपर ही एक ऐसा फ्लाईओवर मिलने से ट्रैफिक की डाइवर्जन भी होगी और लोगों को भी इससे जो फायदा पहुंचेगा। दूसरा सवाल अमरदीप सिंह का है। उन्होंने पूछा है कि भारत के मन की बात मोदी के साथ एलईडी वैन से आपने लोगों को किस प्रकार का संदेश देने का प्रयास किया है। अमरदीप सिंह जी जानना चाहते हैं कि भारत के मन की बात का जो है लोगों में इसको किस तरीके से हम लेकर जा रहे हैं। भारत के मन की बात एक एलईडी वैन के माध्यम से अलग अलग शहरों के अंदर देश में भेजी गई है। चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसी वैन हमें प्राप्त हुई। इस वैन के अंदर वो एलईडी स्क्रीन के माध्यम से हमने अलग अलग जगहों के ऊपर लगभग अभी तक 50 से अधिक कार्यक्रम उसके हो चुके हैं और इस स्कीम के माध्यम से जिस तरीके से हमारा एक संकल्प पत्र जिसको हम तैयार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसको मैनिफेस्टो कहा जाता है, उस संकल्प पत्र को तैयार करने से पहले हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पार्टी है, मोदी जी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, भारत के लोगों के मन की बात क्या है। इस माध्यम से तो पहले उनको वहां पे स्क्रीन के माध्यम से वो दिखाया जाता है कि ये 5 साल के अंदर ये मोदी सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है और उसके साथ ही साथ एक वहां पे पेटी लगाई गई है जिसको सजेशन बॉक्स कहा जाता है। तो उस पेटी के अंदर वहां पे कार्ड रखा गया है, हर व्यक्ति अपना सुझाव उसके माध्यम से मोदी जी तक पहुंचा सकता है, उसको संकल्प पत्र में स्थान मिल सकता है और वहां पे एक नंबर भी दिया गया है 6357171717। इस नंबर के माध्यम से भी लोग वहां पे डायल करके वो अपनी जो है सजेशन जो है वो वहां पर भी डायरेक्टली भी पहुंचा सकते हैं। मेरा मानना है कि भारत के मन की बात को जानने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी ताकि अगले 5 साल के अंदर लोगों की जो उनकी इच्छा है उसके मुताबिक वो नई सरकार जो उसमें कार्य कर सके। इसलिए ये भारत के मन की बात का कार्यक्रम शुरुआत की। ये थे आज के सवाल। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें मैसेज बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम इसी तरह हर सप्ताह आपके सवालों के जवाब लेकर उपस्थित होते रहेंगे।